शहजादा में कार्तिक आर्यन के अलावा कृति सेनन और परेश रावल ने भी लीड रोल निभाए हैं। यह तेलुगु में बनी फिल्म अला वेंकुंठ पुरमुलु का रीमेक है। इस सुपरहिट फिल्म में अल्लू अर्जुन नजर आए थे। गौरतलब है कि शहजादा के 3 दिनों में इतने कम कलेक्शन के बाद अब फिल्म पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराने लगा है। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा ने 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन किया है और कार्तिक आर्यन से लेकर बाबू भैया तक इस फिल्म को करने के लिए कितनी फीस ली है और शहजादा फिल्म की कुल बजट कितना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। पहले जानते हैं इस फिल्म के 3 दिनों का टोटल कलेक्शन कितना हुआ है। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। 17 फरवरी को रिलीज हुई यह फिल्म सिनेमा घरों के दर्शकों को खींचने में नाकामयाब रही है। फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार था, लेकिन टिकट खिड़की पर फिल्म को काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म के निर्देशन रोहित धवन ने किया है। इससे पहले वह देसी बॉयज और ढिसुम जैसे फिल्में बना चुके हैं। लंबे समय के बाद शहजादा लेकर लोगों के बीच आए। फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ का बिजनेस किया था। उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म ने अगले दिन अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन शनिवार को भी फिल्म का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। शहजादा का दूसरे दिन 6.65 करोड़ बटोरे, वहीं अब फिल्म ने तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने रविवार को 7.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फिल्म को रविवार की छुट्टी का बिल्कुल फायदा नहीं मिल सका है। इन आंकड़ों के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 19.95 करोड़ हो गए हैं। बता दें कि शहजादा कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म भूल भुलैया 2 से काफी पीछे चल रहा है। उनकी पिछली फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर 55.96 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं इस फिल्म की टोटल बजट कितना है। उससे पहले अगर आप कार्तिक आर्यन एंड कृति सेनन के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा फिल्म की टोटल बजट 85 करोड़ रुपए के करीब है और शहजादा फिल्म करने के लिए कार्तिक आर्यन ने करीब 20 करोड़ रुपए फीस ली है। वहीं कृति सेनन ने भी इस फिल्म को करने के लिए 5 करोड़ रुपए फीस ली है और हमारे बाबू भैया यानी परेश रावल ने भी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए फीस लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपने अभी तक कार्तिक आर्यन के कौन से फिल्म देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।